हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग क्रैकिंग मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर मोमेंट जो है क्रैकिंग द सेक्शन के लिए एमसीआर का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीम सेक्शन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था जिसका पूरा टोटल डेप्थ जो है हमारा कैपिटल डी, जो टोटल डेप्थ है वो हमारा 600 mm था। और क्योंकि इफेक्टिव कवर जो है वो 50 mm है, इसलिए जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो गया वो 50 mm माइनस करके 550 mm जो है हो गया, ये गिवेन है हमें। और M20 कंक्रीट यूज करना है और Fe415 जो है स्टील बार चूज करना है। अच्छा, 300 इसका विड्थ है और स्टील बार्स जो यूज करना है, 300 इसका जो है विड्थ है और स्टील बार्स जो यूज करना है हम लोग को वो 25 mm 4 बार, यानी कि 4 बार हम लोग को यूज करना है 25 mm डायमीटर वाला। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जब हम लोग को कंक्रीट दिया हुआ है तो मैं एक लेक्चर में बताया था कि कैसे आप लोग परमिसिबल स्ट्रेस जो है निकालते हैं। तो मैं बताया था कि M20 के लिए 7 N/mm² होता है और M25 के लिए 8.5 N/mm² और M30 के लिए 10 N/mm², ये निकालते कैसे हम लोग। मैं बताया था कि कंक्रीट के लिए WSM में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.8, तो जितना भी FCK रहता है उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हम लोग को मिल जाता है। उसी तरह से स्टील के लिए भी मैंने ये टेबल बताया था कि 20 mm तक है तो Fe250 के लिए 140, Fe450 230, ये टेबल मैंने पहले भी बता दिया। नहीं भी आप लोग अगर पहला देखे हैं तो आप यहाँ से भी अभी नोट कर सकते हैं, या फिर आप वो जाके उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में कुछ बोला है तो वहाँ देख लेंगे जाके। ठीक है, चलिए। तो अब जो है हम लोग को सिग्मा CBC जो है, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो है हमको 7 N/mm² और स्टील में हम लोग को 230 N/mm² हो गया। ठीक है, जब भी हम MCR का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को जो है आगे चल के जो फॉर्मूला लगाना है वो M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, जो फ्लेक्जर फार्मूला हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते थे, ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो जिस ये जो मोमेंट होता है वो इस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो क्योंकि हम लोग को MCR निकालना है तो हम लोग को जो स्ट्रेस लेना होगा वो FCR लेना होगा, जहाँ पे पहली बार जो है सेक्शन हमारा क्या करता था, क्रैक करता था। मैंने बताया था कि जो सेक्शन है हमारा पहली बार यहाँ नीचे से क्रैक करता है फर्स्ट टाइम, इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग द सेक्शन निकालेंगे तो वो FCR हमारा 0.7 √FC के है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको जो है कॉम्पिटिशन में मतलब मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, मतलब मल्टीपल्स मतलब हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, कोई कंक्रीट दे के आपको पूछ लेगा इसका वैल्यू, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.7 √20 की FCK मतलब 20 M20 कंक्रीट हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 3.13 N/mm² जो है हमारा FCR आ जाता है। उसके बाद हम लोग मॉडुलर रेशियो निकालते हैं M, देखिए WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड को मॉडुलर रेशियो मेथड भी कहा जाता है। तो आप यहां से ध्यान देंगे कि जब भी WSM का जो सवाल होगा उसमें मॉडुलर रेशियो M का जो जरूरत हम लोग को जरूर पड़ेगा। तो पहले ही हम लोग को 230/3 सिग्मा CBC जो है ये निकाल लेना है। तो यहां से हम लोग को 13.33 जो है मॉडुलर रेशियो हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को MCR कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो सेक्शन है पहले उसको अनक्रैक्ड मानते हैं। ठीक, मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि कैसे अनक्रैक्ड मानते हैं, और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म सेक्शन इस तरह का कुछ बनाते हैं और बाहर में हम लोग जो एरिया है M-1 AST प्रोवाइड करते हैं। मैं पहले भी ये चीज़ बता रखा हूँ, अगर आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर तो उसमें भी पता चलेगा, जिसमें ये मैंने बताया था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ थे, तो CG पे मोमेंट कैसे हम लोग एक्स बार निकालते हैं ऐसे, इस तरह का चीज़ तो पहले बताया गया है वो सब। तो M-1 AST जो है इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए, एम का वैल्यू 13.33। AST देखिए, AST कैसे कैलकुलेट किए, 4 बार दिया हुआ है 25 mm वाले, तो 4 × 25 mm का एरिया होता है 490। मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और निकालते क्यों हैं हम लोग, तो ये भी देखे थे एक लेक्चर में मैंने बताया है कि एक सिविल इंजीनियर को कैसे इस तरह का वैल्यू जो है याद रखना चाहिए, 5/4 और इंटू अगर हम लोग 25 का जो है स्क्वायर करते हैं तो ये जो है हम लोग को 490 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। ये हम लोग अप्रोक्स हम लोग 490 जो है याद रखे हुए हैं, इसलिए इतना पे आंसर है हमारा, तो 24,166.8 mm² जो है हमारा ये वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद का कहानी देखेंगे। तो अच्छा, ये अभी डायग्राम अपने पास में रखेंगे। अब जो है
हम लोग को एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार का मतलब होता है कि टॉप फाइबर को हम रिफरेंस लिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है इस न्यूट्रल एक्सिस का, जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसका डेप्थ क्या है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो ये वाला पार्ट है, सॉरी पूरा एरिया यहाँ पे अनक्रैक्ड है, तो पूरा एरिया का सी जी कहाँ होगा, बीच में होगा पूरा। तो ए वन, सॉरी पहले एरिया निकाले 300 × 600, तो ए वन हो गया ये पूरा। और एक्स वन, एक्स वन यानी कि पूरे सेक्शन का सी जी के बीच से डिस्टेंस कितना है, तो पूरा डेप्थ हमारा 600 mm का था, तो पूरा आधा कितना हो जाएगा, ये 300 mm हो जाएगा, ये 600/2, तो मैंने यहाँ 600/2 किया है। प्लस ए टू, ए टू हमारा क्या है, बाहर जो एरिया मैंने M-1 AST लटकाया है वो है, उसका एरिया कितना है, 24,166.8 mm², तो ये मैंने यहाँ दिया क्योंकि ये पॉइंट एरिया था। तो इसके लिए, अच्छा पॉइंट एरिया है तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया में इसका कंसेप्ट यूज होगा, तो इसके सेंटर से, ठीक है, पॉइंट एरिया जो ये एरिया था हमारा जो बाहर लटका हुआ वाला एरिया है, इसके सेंट्रल लाइन से जो है रिफरेंस लाइन का ही डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर लाइन से रिफरेंस लाइन का जो है डिस्टेंस इस तरह से ले लिए हम लोग, तो ये 550 हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और अपॉन ए वन प्लस ए टू करते, तो ए वन प्लस ए टू के यहाँ से हम लोग को एक्स बार का जो वैल्यू है 329.59 mm आ गया, यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारा 329.59। अच्छा टोटल डिस्टेंस 600 था, तो जो नीचे का डिस्टेंस है जो बॉटम फाइबर तक कौन सा डिस्टेंस होगा, 600 − 329.59, तो ये हम लोग को डिस्टेंस जो है मिल जाएगा 270.41। तो ये डिस्टेंस हम लोग को यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस से लेके बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस मिल गया। अच्छा अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्शन में, ठीक है। ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस Bx³/3 करते हैं, जो एक्स हम लोग कैलकुलेट किए, प्लस बी तो सेम ही है, इंटू D-X³/3 करते हैं। अच्छा जब रिक्टेंगुलर सेक्शन में बेस के अबाउट निकालते हैं तो नीचे 3 होता है, और उसके सी जी के अबाउट निकालते हैं तो सी जी के अबाउट में निकालते हैं तो क्या होता है, BD³/12 हो जाता है। क्योंकि मैंने न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पे माना हुआ है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट करने के लिए ये मानते हैं कि ये हमारा एक रिक्टेंगुलर सेक्शन है जिसके बेस पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बी, और ये X³/3 हो जाएगा। उसी तरह से एक हम लोग रिक्टेंगुलर सेक्शन ये वाला मानेंगे, जिसके लिए क्या हो जाएगा, बी तो सेम ही रहेगा लेकिन एक्स के जगह पे अब यहाँ पे ये आ गया, यानी कि कैपिटल डी माइनस एक्स का क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो यही लिखा हुआ था बी इंटू डी माइनस एक्स का क्यूब। प्लस अब ये एक पॉइंट एरिया था, तो पॉइंट एरिया का जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं किसी भी रिफरेंस पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे एरिया को उतने के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा एरिया था M-1 AST, और स्मॉल डी माइनस एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे। क्यों स्मॉल डी माइनस एक्स, क्योंकि पॉइंट एरिया का जो सी जी है यहाँ से ऊपर टोटल डिस्टेंस था कितना, डी था स्मॉल डी, और उसमें से जो है हम लोग एक्स को जो है माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा डी माइनस एक्स जो है आ जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग इस तरह से कैलकुलेट किए, 329.59³/3 Bx³/3 प्लस बी D-X³/3 प्लस M-1 AST इंटू स्मॉल डी माइनस एक्स जब करेंगे हम लोग, तो 220.41 मिलेगा। ये देख लीजिए स्मॉल डी हमारा क्या था, 550 था, और माइनस एक्स हमारा क्या था, 329, वही एक्स बार मतलब 329.59, तो ये हम लोग को जो है 220.41 मिल गया स्मॉल डी माइनस एक्स का वैल्यू। ये वैल्यू किसका है, स्मॉल डी माइनस एक्स का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो मिला 6.731 × 10⁻⁹ mm² आता है, ठीक है, कैल्सी से पुट करेंगे और ये जो है फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फ्लेक्जर फार्मूला मैंने लगाया, MCR/I = FCR/Y, और यहाँ से इस तरह से की, और मैंने बताया MCR के लिए स्ट्रेस FCR निकालते, FCR हम लोग पहले ही निकाल के रख लिए हुए थे, FCR हमारा जो है आया था 3.13, और मॉडुलर रेशियो भी पहले निकला हुआ है, सब चीज़ पहले निकाल लिए हैं हम लोग, तो 3.13 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्सिया की अपॉन, अच्छा फ्लेक्जर जो फार्मूला लगाते हैं यहाँ जो वाई लेते हैं, ये वाई क्या लेते हैं, जहाँ का स्ट्रेस होता है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट बार जो है क्रैक क्रैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ का स्ट्रेस FCR है, तो डिस्टेंस भी जो लेना होगा ये टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होगा, तो ये हम लोग को यहाँ नीचे डी माइनस एक्स ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि कैपिटल डी माइनस एक्स, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ है, डी कैपिटल डी मतलब ओवरऑल डेप्थ। तो यहाँ से हम लोग को जो मोमेंट ऑफ सेक्शन रिक्वायर्ड है क्रैकिंग के लिए वो 77.91 kNm आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज कि कैसे हम लोग सेक्शन को जो है किस
कितना मोमेंट लगता है क्रैकिंग और अनक्रैकिंग के लिए वो डिकार्ड की। अच्छा, मैंने थंबनेल में लिखा है कि लिखा था कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि सेक्शन क्रैक्ड है या नहीं, तो इसका यूज, ये जो चीज़ हम लोग अभी किए हैं इसका यूज हम लोग करते कहाँ हैं? हम लोग को क्या है ना कि बीम ऐसे इस तरह का दे दिया जाएगा और इस पे जो है मोमेंट रिक्वायर्ड मान लीजिए 50 किलो न्यूटन मीटर का दे दिया रहेगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को बताना रहता है MOR, आगे मैं बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोग को, तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है सेक्शन क्रैक्ड है या अनक्रैक्ड, और उसके हिसाब से एनालिसिस होता है आगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 50 था और हम लोग को मोमेंट रिक्वायर्ड 77.91 था, यानी कि सेक्शन जो है हमारा इस केस में क्या रह गया, क्रैक्ड रह गया। वही अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता और इस पर अप्लाइड मोमेंट जो है वो 100 किलो न्यूटन मीटर दिया रहता, तो सेक्शन हमारा यहाँ कैसा हो जाता, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 77.91 और यहाँ 100 दिया होता, यानी कि सेक्शन हमारा क्या था, क्रैक्ड था। क्रैकिंग के लिए चाहिए इतना ही मोमेंट और यहाँ पे अप्लाइड है 100 किलो न्यूटन मीटर, तो इसका मतलब कि सेक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, क्रैक्ड हो चुका था, और यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है वो अनक्रैक्ड रह गया। तो इस तरह का एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।